everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So welcome into the class 9th and I'm your maths teacher. Previously we discussed till the question example number 10. So today we will discuss from the example number 11. Okay, तो मैं आपको बस एक थोड़ा सा व्यू दूंगी कि इन एग्जांपल्स में क्या दिया है. मैं आपको टोटली सॉल्व नहीं करवाऊंगी क्योंकि सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्वड हैं. उसके बाद हम अपना जो इस इन एग्जांपल से जो हम टाइम सेव करेंगे वो हम हमारी एक्सरसाइज में देंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11. इफ़ बोथ ए एंड बी आर द रैशनल नंबर, अगर ए और बी रैशनल नंबर हैं एंड रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये इसके इक्वल्स टू है, तो आपको ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है, इसमें ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या किया था हमने, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, क्या किया था, इसकी अपोजिट वैल्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं. तो रूट 3 प्लस 1 का अपोजिट क्या होगा, रूट 3 माइनस 1, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपका, कौन सा फॉर्मूला क्या बनाइए, रूट 3 माइनस 1 है और ये भी रूट 3 माइनस 1 है. जब दो रूट 3 माइनस 1 है तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली इसे हम ऐसे राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो रूट ए, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. और इसने यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए क्या है, रूट 3 का होल स्क्वायर, बी क्या है, माइनस 1 का होल स्क्वायर. ऐसे ही इसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, सब कुछ इसमें सॉल्व दिया हुआ है. पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके आंसर 2 माइनस रूट 3 आया. ठीक है, ये किसका आंसर आया, रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1 क्या होता है, ए प्लस बी रूट 3 होता है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. और अभी अपन ने निकाला कि रूट 3 प्लस माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. इसकी वैल्यू ये होती है, क्वेश्चन में दिया है, और अभी हमने निकाली है कि इसकी वैल्यू ये होती है अभी हमने फाइंड आउट की. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए. तो यहाँ अगर इस ए की वैल्यू 2 है, इस ए की वैल्यू 2 है, तो बी की वैल्यू माइनस 1 होगी. कैसे होगी, ए को अगर 2 के इक्वल कर देंगे तो बी रूट 3 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस रूट 3 के, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस रूट 3 के. रूट 3 तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली माइनस 1 बचेगा. ठीक है, तो पूरा सॉल्व कराने की जरूरत है नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक ओवरव्यू दूंगी. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों एडिंग में एडिशन में है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बाय द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, ये माइनस 5 रूट 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट से, माइनस का अपोजिट प्लस होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया. सेकंड वाले में प्लस 5 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपोजिट से, तो अपोजिट से मल्टीप्लाई किया, माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो लिख दिया इसने. और ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया. ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, यानी कि ये, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर. और ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला. तो ये फॉर्मूला यहाँ रख के आप इसे पूरा सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सॉल्व इसमें दिया हुआ है, आप करना अपने, ट्राई करना, और नहीं आया तो मैं बता दूंगी, बाकी सॉल्व दिया हुआ है. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें आपको दिया है कि x इज इक्वल्स टू ये है, y इज इक्वल्स टू ये है. अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की. तो पहले आप x और y को सिंप्लीफाई करो. कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इनके जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करके. हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं. तो x की वैल्यू है आपके रूट 3 प्लस 2 और रूट 3 माइनस 2, यही है. अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया है उसकी अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. रूट 3 माइनस 2 रूट 2 दिया है, तो प्लस वाले से इसे मल्टीप्लाई किया. अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया. ओके, अब इसे आप सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर सकते हो, इसको ओपन कर दो, इसको भी ओपन कर दो फॉर्मूले से. ठीक है, और ये आपके आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब y वाले को सॉल्व करो. y में प्लस दिया हुआ है नीचे, तो अपोजिट वाली से मल्टीप्लाई कर दो. ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. और ये वही a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला. इसको भी सॉल्व कर दो, y की वैल्यू आपकी आ गई. अब आपके x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, तो आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो x की वैल्यू का होल स्क्वायर कर दो, y की वैल्यू का होल स्क्वायर कर दो.
कर दिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कौन सा फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसे इसको कर दो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर लेना, सॉल्व पूरा दिया हुआ है आपको, मैं जो दिया हुआ है वो मैं तो क्यों बताऊंगी आपको, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्स इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। आपको x की वैल्यू क्या दी है, टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री दिया है, तो वन बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन बाय टू प्लस रूट थ्री। पहले x की टू प्लस रूट थ्री है, तो जब इसको बाय में लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू भी बाय में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। कैसे रैशनलाइज करेंगे, टू प्लस रूट थ्री दिया हुआ है ना, तो इसके अपोजिट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। टू प्लस रूट थ्री का अपोजिट टू माइनस रूट थ्री, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस रूट थ्री आ गया, और ये a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये 2 माइनस रूट थ्री हो गया, ये 1 बाय एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपसे किसकी पूछ रहे, ठीक है, आप x की वैल्यू भी आपके पास है, 1 अपॉन x की वैल्यू भी आपके पास है, तो इसको आप क्या, अब आप क्या लिखो, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, यानी कि कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है फॉर्मूला। x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस रूट थ्री, तो x की जगह आपने 2 प्लस रूट थ्री लिख दिया। 1 बाय x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट थ्री, तो इसकी जगह आपने 2 माइनस रूट थ्री लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसमें देखो इस स्क्वायर में क्या हुआ, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, कैसे, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया, ओनली आपके पास क्या बचा, 4। तो x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी देखो यहाँ मैंने सॉल्व कर रखा है, टू ए बी, ए क्या है आपका x और b क्या है 1 बाय x, तो x से x कैंसिल हो गया तो ओनली 2 बचा, ए x है और b 1 बाय x है, तो x से x कैंसिल हो गया तो ओनली 2 बचा। तो जब मैंने इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया तो यहाँ x स्क्वायर आया, यहाँ 2 आया, और क्योंकि 2 बचा ना, और यहाँ पर 1 अपॉन x का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, और ये 16 हो गया। अब इस 2 को मैं इधर लेके चली जाऊँ तो यहाँ ओनली क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, 2 यहाँ पर एडिशन में है तो यहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू आपके 14 आ गई, आ गई। तो आपसे फर्स्ट में यही पूछ रहा था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो सेकंड वाले में x की वैल्यू आपको दी है 2 प्लस रूट थ्री, 1 बाय x की हमने फाइंड आउट की थी 2 माइनस रूट थ्री, तो x प्लस 1 बाय x क्या होगा, x तो है 2 प्लस रूट थ्री और 1 बाय x है 2 माइनस रूट थ्री। इसमें देखो बेटा रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या बचा, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब आप x माइनस 1 बाय x फाइंड आउट करो, x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री माइनस माइनस और 1 बाय x की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री, तो x माइनस 1 बाय x 2 प्लस रूट थ्री, ये मल्टीप्लाई होके ओपन होगा तो ये तो माइनस 2 हो जाएगा और ये प्लस रूट थ्री हो जाएगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, 2 रूट थ्री, ठीक है। तो x माइनस 1 बाय x क्या हो गया, 2 रूट थ्री, इक्वेशन 2 हो गई, हो गई। अब आपको लिखना है कि x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x, और x माइनस 1 बाय x होता यही तो होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस 1 बाय एक्स और एक्स माइनस 1 बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस 1 बाय एक्स कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, और मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 1 बाय एक्स कितना है 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 8 रूट 3 आ गई, 8 रूट 3 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको एक बार समझा दिया है, आप इसे खुद से अपने हाथों से लिख कर सॉल्व करें, सिर्फ रीड नहीं करें, अपने हाथों से राइट डाउन करें और फिर सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप ऐसे रीड करके पढ़ोगे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा ये सॉल्व, ठीक है। अब हमको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.6 हम सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, इनको इनको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्लासीफाई करना है। तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, 2 माइनस रूट फाइव, 2 माइनस रूट फाइव है, रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, इसकी कोई रूट वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगी। अब ये देखो 3 प्लस 2 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3, तो हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये आपको दिया है,
ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 + √23 - √23 ये आपके आएगा, ये कैंसिल हो गया, आपके ओनली 3 रिमेनिंग बचा। तो आपको पता है 3 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, तो सेकंड वाला एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट वन देखो, थर्ड क्या है, 2 √7 / √7, ठीक है, इसमें रूट सेवन से तो रूट सेवन कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपके पास 2/7 बचेगा। ठीक है, 2/7 में जब आप 2 को 7 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 0.40 रिमेनिंग, रिमाइंडर 6, ठीक है, 60 7 8 56, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4, फिर डिवाइड नहीं होगा, 40 7 5 7 5 = 35, रिमाइंडर बचा 5, तो वापस से 0, ठीक है, तो 7 7 = 49 49, रिमाइंडर बचा 1, फिर लगाया 0, 7 1 = 7, रिमाइंडर बचा 3, ठीक है, 30। तो ये ऐसे आपकी वैल्यूज आगे बढ़ती जाएगी, और पता है इसमें क्या होगा, जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वैल्यूज़ ना रिपीट हो रही हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वैल्यूज़ जो है ना आपकी रिपीट होने लग जाएगी। देखना 7 4 = 28, 2 आया, देखो 2 रिपीट हो गया, यहाँ भी 2 था, फिर 20 आ जाएगा, 20 के बाद तो है ना यहाँ 1, इस 1 के बाद ना आपकी वैल्यूज़ रिपीट होने लगेगी, ये 2 8 5 7 वापस से रिपीट होगा। तो आपको पता है कि जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं एंड नहीं हो रहा है इसका, ऑन और रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग होता है, क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, तब होता है बेटा आपका इरेशनल नंबर, जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तभी तो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ तो इसके बाद से वैल्यूज़ रिपीट होने लग जाएगी जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे, तो इस वजह से ये आपका कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। फोर्थ वाला आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, रूट टू आपको पता है इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कोई रूट वैल्यू फाइंड नहीं होता, तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर होगा। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो 2π भी आपका एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताती हूँ, 2 बताती हूँ, 3 बताती हूँ, 4 आपको खुद से सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम देखते हैं, यह है आपका 3 + √3। वैसे तो ये काफ़ी ईजी है, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको आपसे इससे बड़े क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो 3 2 = 6, 3 को √2 से करेंगे तो 3 √2, √3 को पहले 2 से करेंगे, फिर √3 को √2 से करेंगे, √3 को 2 से किया तो 2 √3 ऑब्वियसली, अब √3 को √2 से किया तो √6, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेकेंड है आपका 3 + √3 3 - √3, ये तो बहुत इजी है, देखने पे पता लग रहा है ये a + b है और a - b है, ठीक है, और इसको आप क्या लिखेंगे, a² - b² a आपका 3 है यानी 3 का होल स्क्वायर और b की पोजीशन पे √3 है यानी √3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और √3 का आपको पता है 3, तो इसका आंसर आ गया आपके 6, ठीक है। अब मैं थर्ड वन आपको बताती हूँ, थर्ड वन है आपका √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये भी बहुत इजी है, ये क्या है a + b का होल स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², तो यहाँ a क्या है √5, यानी कि √5 का होल स्क्वायर 2 + 2, a क्या है √5 और b क्या है बेटा √2, अब यहाँ पे b² यानी कि √2 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर क्या होगा 5, इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2 √10, यही आएगा और इसका होगा 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 + √10, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, तो आ गया ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, क्या दिया है a - b और a + b, यही वाला फॉर्मूला है ये, तो ये a² - b² लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसे कल सॉल्व करेंगे, ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।